साथियों, जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा किसकी सलाह से हुआ, किसके स्वार्थ की वजह से हुआ, क्यों जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत की कमान संभाली वो बंटवारे के लिए तैयार हुए, किन परिस्थितियों में मैं भारतीय के टुकड़े हुए, मैं इससे विस्तार में नहीं जाना चाहता। स्वतंत्रता के बाद से स्वतंत्र भारत ने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह गए हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से ये वादा किया था, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। यही इच्छा गांधी जी की भी थी, यही 1950 में नेहरू लियाकत जो करार हुए उस समझौते की भी भावना थी। इन देशों में जिन लोगों पर उनकी आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, भारत का दायित्व था उनको शरण दें। लेकिन इस विषय से और ऐसे हजारों लोगों से मुंह फेर लिया गया, ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? सिर्फ आस्था की वजह से पाकिस्तान में इन बेटियों पर जो जुल्म होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनका अपहरण होता है, इन सबको क्यों जुठलाने पर तुले हुए हैं? जवाब दे ये लोग। साथियों, इनमें से कुछ लोग दलितों की आवाज बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता। ये लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भागकर भारत आए हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे दलित भाई बहन हैं। साथियों, कुछ समय पहले पाकिस्तान में वहां की सेना ने, अधिकृत रूप से वहां की सेना ने एक विज्ञापन छपवाया था। सेना ने विज्ञापन क्या दिया था कि सेना में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए वो विज्ञापन था। उन विज्ञापन के पढ़ने से चौंक जाएंगे। उन विज्ञापनों में क्या लिखा था? उनमें लिखा था सफाई कर्मचारी के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो मुस्लिम नहीं है। यानी ये विज्ञापन किसके लिए था? हमारे इन्हीं दलित भाई बहनों के लिए। इसी काम के लिए हिंदुस्तान के लोगों का उपयोग होना, और हम चुप बैठे रहे? पाकिस्तान में ये स्थिति वहां की है। साथियों, बंटवारे के समय बहुत से लोग भारत छोड़कर चले गए, लेकिन यहां से जाने के बाद ये लोग यहां की संपत्तियों पर अपना हक जताते थे। हमारे शहरों के बीचों बीच खड़ी लाखों करोड़ की इन संपत्तियों पर भारत का हक होते हुए भी ये देश के काम नहीं आ रही थी। दशकों तक एनिमी प्रॉपर्टी बिल को लटका कर रखा गया। जब हम इसे लागू करवाने के लिए संसद में लेकर आए तो कानून को पास कराने में नाको चने चबाने पड़ गए। मैं फिर पूछूंगा,
किसके हित के लिए ऐसा किया गया। जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं वही लोग एनिमी प्रॉपर्टी कानून का विरोध कर रहे थे।